बबलू हत्याकांड में पुलिस को मिला अहम सुराग। जारी हुआ हत्यारोपियों का सीसीटीवी फुटेज, पहचानने वालों को मिलेगा 20,000 का इनाम। अपहरण के वांछित को जैतपुरा पुलिस ने किया वाराणसी सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार, लड़की को किया बरामद। वाराणसी में हृदय और डायबिटीज रोगों पर शुरू हुआ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कार्डियोपकॉन 2019, जुटे देश विदेश के 400 से ज्यादा डॉक्टर और छात्र। वाराणसी के अपर श्रम आयुक्त की चेतावनी, रात 8 बजे के बाद अगर खुला मिला कोई भी वाणिज्यिक अधिष्ठान तो होगी कार्रवाई। सिगरा स्टेडियम में 2 दिवसीय सब जूनियर जिला कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ, पहली बार पूर्वांचल की 60 बेटियां दिखा रही हैं अपना दमखम। वाराणसी के जिलाधिकारी ने किया आह्वान, गोवंश की रक्षा के लिए आगे आए काशी के संत महंत और विद्वान। चौबेपुर में गंगा में उतराया मिला मलदहिया निवासी युवती का शव, 11 दिसंबर से थी लापता, परिजनों में आक्रोश। चिरई गांव पहुंचा जापानी दल, विकास कार्यों को देखा, साथ में जाना कि आखिर क्यों पड़ा गांव का नाम चिरई गांव। वाराणसी के गुलेरिया घाट पर शूटिंग करते दिखे रणवीर और आलिया, लाइव वीएनएस के हाथ लगा एक्सक्लूसिव वीडियो। बेघर गरीबों की कैसे कटेगी रात, दुर्गा कुंड के रैन बसेरे की लाइव वीएनएस ने की पड़ताल, मिली कई दुश्वारियां। यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था है, नगर निगम की व्यवस्था है, सुचारू रूप से इतनी अच्छी तो नहीं चल रही है, बस किसी तरीके से हम लोग चला रहे हैं, जो व्यवस्था मिलती है उससे। देखा जा रहा है कि धरन से पानी टपक रहे हैं और यहाँ शरणार्थी सोए हैं, उनके ऊपर भी पानी टपक रहे हैं। टपक रहा है, उसको भी क्या किया जाए, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई टपके ना, लेकिन अब जो व्यवस्था मिल रही है सरकार की तरफ से। तो इसके बारे में कभी नगर निगम में आप कोई लेटर लिखे हों या नगर आयुक्त से शिकायत किए हों? नहीं, वो क्या है कि हम लोग को पहले शुरू में नहीं मालूम था कि हम लोग को करना क्या है। पता चला कि नगर निगम से जो भी व्यवस्था की कमी है तो नगर निगम को हम लोग सूचित करना पड़ेगा, तो हम लोग नगर निगम सूचित करते हैं कि ये व्यवस्था है, तो वो लोग आते हैं देखते हैं और कुछ व्यवस्थाएं को दूर किया जाता है, कुछ व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थाएं रह जाती है।